तो मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सब? अपुन भी बिल्कुल बढ़िया है, मैं भी बढ़िया, तू भी बढ़िया। बस बस आगे नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पबजी मोबाइल में, जो आपको पता ही है कि मोटर ग्लाइडर भी अब न्यू अपडेट में आया हुआ है। तो उसको लेके मैं भाई पूरा का पूरा फुल ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ आपके लिए। हर एक चीज़ आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है? चार पॉइंट्स में मैं आपको सारी की सारी चीज़ें को कवर करूंगा, तो बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखना, बहुत ही मस्त वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट आता है हाउ टू फ्लाई मोटर ग्लाइडर, ठीक है? मोटर ग्लाइडर को कैसे उड़ाना है। दोस्तों, ग्लाइडर को उड़ाने से पहले हम इनके फंक्शन को समझ लेते हैं। पहला नंबर पर आता है इंक्रीज थ्रॉटल, इससे आपका जो प्लेन है इससे आगे जाता है और इसकी गैस इंक्रीज होती है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा रिड्यूस थ्रॉटल, इससे आपका प्लेन पीछे आता है और गैस रिड्यूस होती है। तो इसके अब साथ वाले जो ऊपर वाले बटन है, डिस्केंड और एस्केंड, अब इनका ये काम है कि डिस्केंड से आपका प्लेन नीचे लैंड होता है और एस्केंड से आपका प्लेन टेक ऑफ करता है। अब दोस्तों, साइड वाले जो इसके साथ वाले जो डायरेक्शंस है, अब इनका भी अपना अलग ही रोल है, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ग्लाइडर को उड़ाने के लिए हमें इंक्रीज थ्रॉटल के बटन पर प्रेस करना है और तब तक करके रखना है जब तक हमारी स्पीड 70 किलोमीटर पर आर की ना हो जाए। और दोस्तों, जैसे ही आपकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आर की हो जाए, आपको तुरंत ही एस्केंट के बटन पर धीरे धीरे प्रेस करना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। इससे क्या होगा, आपका प्लेन जो है वो धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। दोस्तों, अगर आप एकदम से एस्केंट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो भाई आपका जो प्लेन है वो सीधा नीचे क्रैश हो जाएगा। इसको उड़ाने के लिए आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ़ हो, कोई पत्थर नहीं हो, कोई कुछ नहीं, कोई पेड़ नहीं, कुछ भी ना हो, बिल्कुल साफ़ रास्ता हो। अगर नहीं होगा तो भाई आप इस तरीके से क्रैश कर जाएं। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, जब बड़े पेड़ आए तब आप अपने प्लेन को ऊपर भी ले जाएं, ठीक है? और दोस्तों, अब डायरेक्शंस की बात करते हैं। तो अब जब आप प्लेन उड़ा रहे होंगे, जब आप एक ही डायरेक्शन को एक बार बटन प्रेस करके छोड़ देंगे तब आपका प्लेन उसी डायरेक्शन में बार बार घूमता रहेगा। इसको फिक्स करने के लिए आपको उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन वाले बटन को एक या दो बार प्रेस करना है, तो आपका प्लेन जो है वो सीधा हो जाएगा। अब हमारा पॉइंट आता है नंबर टू, हाउ टू लैंड। तो भाई, लैंड करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपको करना क्या है, अपने रिड्यूस थ्रॉटल के बटन पर आपको प्रेस करना है, गैस आपको कम करनी है, और जैसे गैस कम होगी आपको अपने एस्केंट के ऑप्शन को धीरे धीरे प्रेस करना है, तो इस तरीके से आप लैंड कर जाएंगे। अगर आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको फिर से वही करना है, डिक्रीज थ्रॉटल को बटन पर प्रेस करना है और अपनी गैस को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको डिक्रीज करनी है। तो दोस्तों, जैसे ही आप डिक्रीज करोगे, आप इंक्रीज थ्रॉटल और डिस्केंड दोनों बटन को प्रेस करके, तो आप कुछ इस तरीके से आप इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हो। दोस्तों, एनिमी टीम मेरे पीछे पड़ी हुई थी इसलिए मैंने इमरजेंसी लैंडिंग की। अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना। यूँ अब बात करते हैं एडवांटेज के बारे में, यानी कि इसका फ़ायदा क्या है। तो देखो, फ़ायदा इसका ये है कि इसमें तो सिर्फ दो बंदे बैठ सकते हैं, और अगर आप इसमें अकेले हो तो उड़ते उड़ते ही आप सीट चेंज करके अपने आप को बैंडेज वगैरह, हेल्थ किट वगैरह, हिलअप खुद को आप कर सकते हो, और उड़ते उड़ते ही आप अगर चाहो तो फ्यूल भी भर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सब करके आप सीट चेंज करके अपने फिर से प्लेन को उड़ा सकते हो, ठीक है? लेकिन टाइम से उड़ा लेना, नहीं तो क्रैश हो जाओगे। और दूसरे एडवांटेज की बात करूँ तो आप सीट चेंज करके ही ऊपर से आप एनिमी को नीचे मार पाओगे। तो दोस्तों, अब अगर आप ऊपर उड़ेंगे इस ग्लाइडर को लेके, तो एनिमी जो है वो आप पर जितना भी अटैक कर ले, आपके प्लेन को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद लगता है। इसका एक एडवांटेज और भी है कि अगर आपका टीममेट पीछे बैठा हुआ है तो आप ऊपर रहते ही अपने पादे छोड़ के उसको अपनी खुशबूदार बदबू भी दे सकते हो, जिससे वो परेशान हो जाएगा। तो बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये फ्यूल बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता है, उसी के चलते इसमें बहुत ही जल्दी फ्यूल ख़त्म हो जाता है। तो आपके पास 3 से 4 कैंस तो भाई गैस कैन होनी ही चाहिए इसको उड़ाने के लिए, जैसे ही आपके पास गैस ख़त्म हो, ताकि आप उसको हवा में ही रिफ्यूल करके दोबारा से अपने ग्लाइडर को उड़ा सकें। अगर आपके पास फ्यूल बहुत कम है तो आप अपना फ्यूल भी सेव कर सकते हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका ग्लाइडर उड़ रहा है तो आप रिड्यूस थ्रॉटल को धीरे धीरे करके प्रेस करें, इससे आपकी जो गैस है वो कम होगी, और आप देख भी पाएंगे जैसे भी मेरी स्पीड अभी भी बढ़ते जा रही है, तो आप ऐसे भी अपनी गैस को बचा सकते हो। तो अब जो इसका अगला डिसएडवांटेज है, ये तो भाई मैं क्या कहूँ, बहुत ही बड़ा इशू है। अगर आप
पर उड़ते उड़ते अगर आप पर एनिमी टीम अगर आप पर फायरिंग करती है तो भाई मैं आपको बता दूं कि इसकी जो हेल्थ है वो बहुत ही कम है। जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि मेरे को जो नीचे से है वो अभी गोलियां पड़ रही है और इसका अभी से धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान ज़रूर रखना, अपने ग्लाइडर को बस हवा में रखना ताकि एनिमी टीम आपका ग्लाइडर जो है वो डिस्ट्रॉय ना कर। मोटर ग्लाइडर्स आपको सिर्फ इरेंगल और मीरामार के मैप में ही मिलेंगे, तो चलिए मैं आपको लोकेशंस भी बता देता हूँ। तो ये वो सारी की सारी लोकेशंस हैं जहाँ पर आपको मोटर ग्लाइडर्स मिल जाएंगे। कुल मिलाकर 40 लोकेशन है जहाँ पर आपको ये ग्लाइडर्स मिल जाएंगे। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात तो यही है कि आपको पूरे के पूरे इरेंगल मैप में सिर्फ 10 मोटर ग्लाइडर्स ही मिलेंगे, यानी कि एक लोकेशन में आपके पास 25-30% चांस है कि आपको वहाँ पर मोटर ग्लाइडर मिल जाएंगे। मैं आपको लोकेशंस भी बता देता हूँ जहाँ पर आपको मोटर ग्लाइडर्स मिल सकती है। तो पहली लोकेशन हमारी आती है सुस्नोवोका आइलैंड। दोस्तों यहाँ पर 7 जगह पर आपको ग्लाइडर्स मिल सकते हैं, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपको एटलीस्ट एक ग्लाइडर तो यहाँ पर मिल ही जाएगा। आपको शुरू कहाँ से करना है, आपको नोवो के रेडियो टावर से होते हुए आपको यहाँ से होके यहाँ तक आपको जाना है, तो आपको यहाँ पर एक मोटर ग्लाइडर तो भाई मिल ही जाएगी। दूसरी लोकेशन में आपको हॉस्पिटल से होकर प्रिमस तक जाना है, जहाँ मैं आपको मार्क लगा के बता रहा हूँ आपको यहाँ पर मोटर ग्लाइडर्स ढूंढने की ट्राई करनी है। तीसरी लोकेशन में आप जार्की से सेवर्नी में ट्राई कर लेना, और अगर आपको यहाँ भी ना मिले तो सेवर्नी से सीधा कमास्की में ट्राई कर लेना, आपको पक्का ग्लाइडर मिल जाए। दोस्तों अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें।